बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जस्मी ऑन फूड। आज की हमारी रेसिपी है मलाई टिक्का प्लेटर। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेस्ट डिशेज में से ये एक डिश है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर। सिलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम योगर्ट ऐड कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप क्रीम जाएगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चों की पेस्ट 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ग्राउंडेड, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून। कोकोनट पाउडर से चिकन टेंडर होता है और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा आप। और ये देखें जी, अब इसकी मोस्टली हम पेस्ट में डालेंगे और अब इसको साइड पर रख देंगे। मैंने चिकन के 4 पीसेस लिए हैं, लेग पीसेस लिए हैं, आप ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं। और इनको डीप कट्स लगा लेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ, इसी तरह तमाम चिकन के साथ हम यही प्रोसीजर करेंगे। डीप कट्स इसमें लगाए जाते हैं ज़्यादा कि गोश्त अच्छे से गल भी जाए, मसाला अंदर तक चला जाता है। अब डीप कट्स लगा लेंगे हम तो एक बाउल में डाल दें और चम्मच की मदद से तमाम मिक्सचर में डाल दें और हाथ की मदद से इसको अच्छे से लगाएं और कट्स तक मसाला चला जाए। हाथ की मदद से अच्छे से इसको मैरिनेट कर लें। जब मसाला लगा लें तो इसको कवर कर दें और मैरिनेशन के लिए 4 आवर्स के लिए हम फ्रिज में रख देंगे इसको। आफ्टर 4 आवर्स पैन ले लेंगे हम या तवा ले लें, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालें और चिकन को एक एक करके इसमें रख दें और जो बाकी मसाला वो हाथ की मदद से चिकन के ऊपर डाल दें और उसको कवर कर दें और 20 मिनट तक पकने दें एक साइड हल्की आंच पे मीडियम हीट पे, ताकि अच्छे से गल जाए। अब चेंज करें साइड केयरफुली। बीस मिनट टोटल टाइम है, 10 मिनट देने हैं इस साइड को और कवर कर दें और फिर 10 मिनट के लिए इसको पकने दें अच्छे से। जब ये अच्छे से हो जाए आफ्टर 10 मिनट्स के बाद तो इसको निकाल लेंगे हम, तो उनको साइड को इजीली इसको चेंज कर। अब एक खुबस ले लें या कोई भी ब्रेड नान ले लें, उस पर चिकन रख दें 1 बाय 1 करके। अब हम वही पैन लेंगे, उसमें ऑनियन रिंग्स डालेंगे। ऑनियन को गोल गोल सा कट कर लें और उसको खोल लें और उसी पैन में सोटे कर लें 30 सेकंड्स तक, 30 to 40 सेकंड्स। अब इसको निकालें और चिकन के ऊपर डाल दें। मज़ेदार सा हमारा मलाई टिक्का प्लेटर रेडी है। इसको एंजॉय करें और गार्निश करें विद ऑनियन, लेमन और ग्रीन चिलीज। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी बेस्ट डिश है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।